श्याम सुंदर गौ रक्षा और कृषि केंद्र में भगवान जगन्नाथ के आगमन की आप सबको बधाई हो। हरि बोल। अब एक ध्यान से बात सुनिए, ये जो भारत वर्ष है ये जम्बू द्वीप में एक ही धरती का टुकड़ा खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, इसका नाम है भारतवर्ष। और इस भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था है, वो दो चीजों के ऊपर आधारित है, कृषि गौ रक्षा। कृषि और गौ रक्षा, कृषि का मतलब खेती और गौ रक्षा का मतलब गाय का पालन। और इसलिए अभी जो मंदिर की स्थापना की है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ वो है गौ रक्षा के आचार्य, उसका नाम है गौपाल। और बलराम जी के कंधे के ऊपर है हल, वो है कृषि के आचार्य, वो है कृषि खेती के आचार्य। तो यहाँ इस भूमि के ऊपर कृष्ण और बलराम गौ रक्षा और कृषि के आचार्य पधारे हैं, और ये भारत के अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। अगर समझदार आदमी समझ सकते हैं तो ये पूरा विश्व का नेता एक जमाने में जो था, इस आध्यात्मिकता के कारण था। और जो आज किसी के घर में गाय नहीं है और किसी के पास खेती नहीं है, कुत्ते बांध के बैठे हुए हैं, ये संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। कहां गौ रक्षा की संस्कृति, कहां घर में यज्ञशाला रखते थे, अब शौचालय घर में बना के रखा है और कुत्ते पाले हैं, ये संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। और यहां इस कृषि वाले क्षेत्र में अब यहां ये जो गौ रक्षा जो हो रही है, आप सबके घर में से एक रोटी गाय के लिए आनी चाहिए, ये आपकी सेवा है। घर में नहीं पाल सकते हो गाय तो यहां गौशाला है, एक रोटी गाय के लिए रोज हर घर से आनी चाहिए, जो इस क्षेत्र में कम से कम 10 किलोमीटर में रहता है। एक रोज नहीं आ सकते हो तो महीने में एक दिन आओ, एक रोटी के हिसाब से सब सामान गाय को पहुंचाया जाओ, आपके घर में सब सुख शांति होगी और समृद्धि होगी। गौ सेवा से सुखी होंगे और कृषि से सुखी होंगे, और किसी काम से कोई सुखी हो नहीं पाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद के द्वारा ये उस वक्त में ये कृषि का स्थान लेना और यहाँ गौशाला बनाना, और फिर अब यशोमती नंदन प्रभु की प्रेरणा से यहाँ ये जो निर्माण हो रहा है और ये नौजवान भक्त इस काम में लगे हुए हैं। ये संस्कृति को वापस प्रभुपाद जी कैसे लाए हैं, देखो नौजवान आपके पूर्वजों की धोती कुर्ता पहने, आपकी कहाँ गई धोती, कौन ले गया आपकी धोती भाई, सब पैंट पहन के घूम रहे हो, क्या हो गया आपको, तुम्हारी संस्कृति कहाँ चली गई। ये सांस्कृतिक केंद्र है गौ रक्षा और कृषि का, ये धर्म की स्थापना है। इसलिए ये जो गांव की रोटी की बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ है कि आप इस केंद्र के साथ जुड़ जाइए तो इस गाय की सेवा भी आपकी होती रहेगी, और कृषि से प्रेरणा लेके भविष्य में ऐसे और कृषि हो जहाँ से आपके घर में शुद्ध सात्विक अन्न भी पहुँचे, फल भी पहुँचे, तो मन भी शुद्ध हो, तब भगवान की भक्ति करके मानव जन्म सफल किया जा सकता है। हरे कृष्णा। 5 मिनट हो गए कि नहीं, हमारा काम 5 मिनट।